हेलो बेटा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसकी यूजेज बहुत सारी चैप्टर्स में है आपका। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं कि टाइम को पैसे के साथ कैसे कोरिलेट किया जाए, टाइम और पैसे में क्या रिलेशन है या नहीं है। आज का 10,000 एक साल के बाद की 10,000 में क्या रिलेशन है, आज की 10,000 एक साल के बाद की 11,000 में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। ठीक है, मैंने कहा कि आपको यहां पे दो ऑप्शंस है, आप यहां पे दो ऑप्शन लीजिएगा। मैं आपका पैसा सपोज करो मेरे पास 10,000 रुपीज है, आपका पैसा सपोज करो 10,000 रुपीज है, तो आपका पैसा ये जो रुपीज 10,000 है, मैंने आपको कहा कि ये टेन थाउजेंड आपका पैसा है मेरे पास, आप इस पैसे को टूडे ले लो, टूडे, और या ये तो पैसे को आफ्टर वन ईयर ले लो भाई साहब, आफ्टर वन ईयर या टूडे पैसा ले लो। आप कहेंगे कि भाई साहब कौन सी ऑप्शन को सिलेक्शन करेंगे, ऑफ कोर्स आप कौन सी ऑप्शन को सिलेक्शन करोगे, आप आज वाली ऑप्शन को सिलेक्शन करोगे। क्यों आज वाली ऑप्शन को सिलेक्शन करेंगे भाई साहब, क्या रीजन है कि हम आज वाली ऑप्शन को सिलेक्शन करेंगे। आप कहेंगे कि सर आज का 10,000 कैसे एक साल के बाद की 10,000 के बराबर होगा, आज आप 10,000 दे रहे हैं, उस 10,000 को एक साल के बाद हम 10,000 कैसे लें आपसे। मैं कहूंगा कि भाई साहब आपका दोनों पैसा तो सेम है, ये 10,000 है ये 10,000 है, दोनों सेम है तो आपको लेने में क्या प्रॉब्लम है। आप कहेगा सर लेने में प्रॉब्लम है, एक साल के बाद 10,000 और आज की 10,000 दोनों बराबर नहीं है। मैं कहूंगा क्यों नहीं बराबर है भाई साहब, तो आप कहिएगा कि सर ये 10,000 अगर आज आप देंगे, ये 10,000 मैं आज दूंगा और मार्केट में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है ही इन्वेस्टमेंट करने का, तो मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी सपोज करो आपके पास 10% इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, तो इस पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगा एक साल के बाद। तो कहेंगे आप सर इस पैसे को मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट करने से हमारे पास 10,000 इन्वेस्ट करूंगा तो उस 10% 10% ऑफ रुपीज 10 हमें क्या मिलेगा, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, हमारी कमाई होगी 10%, तो इस पैसे का कितना हो जाएगा अगर हम ऐसे करते हैं तो 10,000 वन प्लस 0.10 हो जाएगा, आपका वह पैसा कितना बनकर आ जाएगा 11,000 हो जाएगा। तो अगर मार्केट की रेट के बेसिस पे या डिसाइड किया जाए कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कि सर डिफरेंस बहुत है, इस पैसों को अगर आज देते हैं तो एक साल के बाद और 10% इंटरेस्ट अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा हमारा 11,000 होगा, वो 10,000 नहीं होगा। तो इसीलिए आज का 10,000 एक साल के बाद के 10,000 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि दो डिफरेंट टाइम है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो डिफरेंट टाइम है, दो डिफरेंट टाइम में सेम पैसे की वैल्यू अलग अलग होता है, दो डिफरेंट टाइम में सेम पैसे की वैल्यू अलग होता है। हम क्या कहेंगे, आज का 10,000 एक साल के बाद के 10,000 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्या रीजंस है, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। आज का 10,000 हम इन्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए मार्केट का रेट है 10% हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10% इंटरेस्ट मिलकर एक साल के बाद बैंक मुझे जहां पे इन्वेस्ट करेंगे वहां से मुझे 11,000 मिलेगा, और आप कह रहे हैं कि आज भी 10,000 ले लो एक साल के बाद भी 10,000 ले लो, ये कैसे पूरा हो सकता है सर, आज का 10,000 एक साल के बाद की 10,000 दोनों बराबर कैसे आप करते हैं। ठीक है, तो पहला रीजन क्या हो सकता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या स्टडी करते हैं कि हमारे पास देयर इज रिलेशन
सीप बिटवीन टाइम एंड मनी, टाइम एंड मनी, हमारे पास रिलेशन है टाइम और मनी में। दूसरा किस टाइप का रिलेशन है भाई साहब? सेम पैसे की वैल्यू दो अलग टाइम में अलग अलग होता है, दो अलग अलग टाइम में अलग अलग होता है। द वैल्यू ऑफ सेम मनी, द वैल्यू ऑफ सेम मनी एट टू डिफरेंट टाइम, एट टू डिफरेंट टाइम, द वैल्यू ऑफ सेम मनी एट टू डिफरेंट टाइम इज डिफरेंट, डिफरेंट। दो समय में सेम पैसे की वैल्यू अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। दो सेम वैल्यू ऑफ सेम मनी एट टू डिफरेंट टाइम इज डिफरेंट, सेम पैसे की वैल्यू दो अलग टाइम में क्या होता है? डिफरेंस है। अब हम क्या कहेंगे भाई साहब, देखिएगा, आज के 10,000 एक साल के बाद के 11,000 के बराबर है। तो आज के 10,000 एक साल के बाद के 10,000 के बराबर नहीं है। आज का 10,000 एक साल के बाद की 10,000 से ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू है। आज के 10,000 की वैल्यू एक साल के बाद के 10,000 की वैल्यू किससे ज्यादा है? इसका हम क्या कहेंगे? अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो आज का 11,000 सॉरी आज का 10,000 आज की 10,000 एक साल के बाद के 11,000 के बराबर है। आज की 10,000 इस एक साल के बाद की 11,000 के बराबर है। आज का 10,000 एक साल के बाद के 10,000 के बराबर नहीं है। आज के 10,000 की वैल्यू ज्यादा है, आज की 10,000 की वैल्यू ज्यादा है एक साल के बाद के 10,000 की वैल्यू का। क्यों ज्यादा है? क्योंकि हम इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो किसी रेट से कमाएंगे और कमाने के बाद हमारे पास पैसा कितना आ जाएगा? 11,000 आ जाएगा। क्लियर है? तो हम तीसरे में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहां पे द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द मनी हैज मोर वैल्यू देन फ्यूचर वर्थ ऑफ द मनी प्रेजेंट वर्थ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द मनी हैज मोर वैल्यू देन फ्यूचर वर्थ ऑफ द मनी। आज के पैसे की वैल्यू ज्यादा है, आज के पैसे की वैल्यू ज्यादा है फ्यूचर के पैसे की वैल्यू के कारण, फ्यूचर की वैल्यू के कारण। क्यों? हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात, मान लो किसी गुड्स की प्राइसेज, प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स टुडे आज की प्राइसेज रुपीज 1,000 है, नंबर ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड इन 10,000, आपने 10,000 में कितनी गुड्स को कंज्यूम करेंगे? 10 गुड्स कंज्यूम करेंगे। प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स आफ्टर 1 ईयर 2,000 है, नंबर ऑफ गुड्स कंज्यूम्स इन 10,000, कितनी गुड्स को कंज्यूम करेंगे? 2,001 की गुड्स है, 5 गुड्स को कंज्यूम करेंगे। हम तो जानते हैं कि प्राइस अप्रिसिएट करता है, हम जानते हैं कि महंगाई होती है, हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन के बेसिस पे हमारी प्राइसेस गुड्स की क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। और जब प्राइसेस गुड्स की इंक्रीज कर जाती है तो हमारे सेम पैसे में कम गुड्स मिलता है। हमारी 5 गुड्स यहाँ पे एक साल के बाद मिला, जबकि यहाँ पे 10 गुड्स को हम कंज्यूम करते थे।
तो दूसरा फर्स्ट रीजन क्या था कि आज के पैसे की वैल्यू क्यों ज्यादा है सर, हमारी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, हम पैसे को इन्वेस्ट करके ज्यादा ले सकते हैं। दूसरा रीजन क्या है, प्रेजेंट कंजम्पशन ऑफ गुड्स इज मोर देन द फ्यूचर कंजम्पशन, ठीक है। और तीसरा रीजन क्या मैं बता रहा हूं, ये फर्स्ट रीजन इन्वेस्टमेंट की है, दूसरा रीजन आपका कंजम्पशन की है, तीसरा रीजन आपका क्या है, तीसरी रीजन आपका है फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो हम क्या लिख सकते हैं, द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द मनी हैज मोर वैल्यू देन फ्यूचर वर्थ ऑफ द मनी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। तो सबसे पहला रीजन्स क्या है आपके पास, सबसे पहला रीजन्स क्या है, सबसे पहला रीजन, सबसे ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, तो सबसे पहला रीजन आपके पास है देयर इज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, देयर इज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रेजेंट वर्थ ऑफ दूसरा रीजन्स क्या है, दूसरा रीजन्स क्या है, प्रेजेंट कंजम्पशन इज मोर देन द फ्यूचर कंजम्पशन, दूसरा रीजन्स क्या है, प्रेजेंट कंजम्पशन इज मोर देन द प्रेजेंट कंजम्पशन इज मोर देन फ्यूचर कंजम्पशन, प्रेजेंट कंजम्पशन इज मोर देन फ्यूचर कंजम्पशन। तीसरा रीजन हमारे पास क्या हो सकता है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर में पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम इसके बारे में स्टडी आज करने जा रहे हैं। क्लियर है, मैंने कहा कि टाइम में और पैसे में रिलेशन होता है, क्यों रिलेशन होता है, द वैल्यू ऑफ सेम एट टू डिफरेंट टाइम, वैल्यू ऑफ सेम मनी होगा, वैल्यू ऑफ सेम मनी, यहां पे वैल्यू ऑफ सेम मनी, वैल्यू ऑफ सेम मनी एट टू डिफरेंट टाइम इज डिफरेंट, दो डिफरेंट टाइम में वैल्यू ऑफ सेम पैसे की वैल्यू अलग अलग होता है, कैसे अलग होता है, देयर इज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट कंजम्पशन इज मोर देन द फ्यूचर कंजम्पशन, फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर इज अनसर्टेन। क्लियर है, ये सारी रीजन मैंने बताया। तो आप पूछिएगा सर इसको रिलेशन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इस रिलेशन को हम इस दो पॉइंट को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, मेनली हमारी जो होगा इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन टाइम एंड मनी को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है इसको देखेंगे। रिलेशन बिटवीन टाइम एंड मनी को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, अब देखिए यहां हम इसको बंद करते हैं भाई साहब, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड मनी, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड मनी, हम टाइम और मनी के बीच की रिलेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास ये आ गया, हम यहां पे दो फैक्टर होता है, दो फैक्टर होता है, एक फैक्टर को हम कहते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर और दूसरी फैक्टर को क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर। कंपाउंडिंग फैक्टर, इसको कंपाउंडिंग फैक्टर कहा जाता है, और दूसरा होता है
डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, हम बचपन से एक फॉर्मूला जानते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r^n। तो ये क्या होता है अमाउंट, ये क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू, प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू, और ये इंटरेस्ट रेट होता है, ये टाइम पीरियड के बाद पैसा मिलता है। तो हम कहते हैं क्या, अगर आज ये पैसा डिपॉजिट कराया जाए इस रेट से मुझे इंटरेस्ट चाहिए, और इतने टाइम पीरियड के बाद वो कितना पैसा होगा, तो ये जो पैसा आएगा उसको हम अमाउंट कहते हैं। बचपन से फॉर्मूला हम जानते यार, तो इसको कहेंगे फ्यूचर वैल्यू, इसको क्या कहेंगे फ्यूचर वैल्यू, इसको क्या कहते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू, इसको क्या कहते हैं इंटरेस्ट, ऐसे कहा जाता है। क्लियर है? तो हम इसको फ्यूचर वैल्यू कहेंगे, हम इसको प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे, हम इसको 1 + r^n कहेंगे। क्लियर है? अब देखिए, जब यहां पे कंपाउंडिंग फैक्टर किसे कहा जाता है, कंपाउंडिंग फैक्टर किसे कहा जाता है, 0 ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ये 5 साल आपने यहां पे पैसा डिपॉजिट कराया और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 12% है। सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितनी है 12% है। क्लियर है? अब इस पैसे को आप जानना चाहते हैं कि यहां पे लाया जाए, इस पैसे को यहां पे लाया जाए, तो इस पैसे को यहां पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, हम लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू नहीं लेकर हम क्या करेंगे, अगर मान लिया जाए हम लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू ऐसे, यहां पे हमारे पास सपोज करो 10,000 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी परसेंट है 0.12 है, 0.12। क्लियर है? अब इसको कितने साल के बाद, 5 साल के बाद हम लेकर जाएंगे, 5 साल के बाद लेकर जाएंगे। अब आप देखिए, आप यहां पे इसको हमने 5 साल के बाद लेकर गए तो 12% 1.76 आ जाएगा, 1.76 आ जाएगा। अब 1.76 आ जाएगा, यहां पे कंपाउंडिंग फैक्टर होता है 1.76, तो आप देखिए यहां पे जब यहां पे 1.76 आ जाएगा कैसे आता है, इसको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, हम सबसे पहले आपकी कैलकुलेटर कैसे देखते हैं, कैलकुलेटर में लिखते हैं 1.12, फिर आपको इनटू और इक्वल टू करेंगे, तो इनटू इक्वल टू करेंगे तो दो बार मल्टीप्लाई करके बताएगा। तो यहां पे अगर पावर 5 है तो 4 टाइम्स करेंगे, इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू 4 टाइम्स करेंगे तो आपका डायरेक्ट 1.76 आ जाएगा। अब जैसे 1.12 किया, इनटू किया, इक्वल टू किया, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, यहां पे इनटू इक्वल टू आपको इनटू इक्वल टू 4 बार करने, एक बार इनटू इक्वल टू, जैसे 1.12 इनटू करो इक्वल कितनी बार 2 3 4 5, आपने चौथे बार में 4 टाइम्स करोगे तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इनटू इक्वल टू जब करोगे ना, इनटू इक्वल टू जब करोगे ना एक बार और एक बार मल्टीप्लाई करके बदलाता है तो 2 बार हो जाता है। तो यहां पर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहां पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है, ये जो फैक्टर्स होता है ना इसको हम क्या कहते हैं, ये जो फैक्टर्स होता है इसको कहते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर कहा जाता है, दिस इज सेड टू बी कंपाउंडिंग
फैक्टर, दिस इज सेड टू बी कंपाउंडिंग फैक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर कहते हैं। तो भाई साहब ये पैसा कितना हो जाएगा, तो फ्यूचर में ये पैसा हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू 17,600 हो जाएगा, ये 17,600 हो जाएगा। तो आज की पैसे को हम क्या करें, फ्यूचर में लेकर गए, आज की पैसे को फ्यूचर में लेकर गए, तो फ्यूचर में लेकर जाने की फैक्टर को क्या कहा जाता है, कंपाउंडिंग फैक्टर कहा जाता है। फ्यूचर में लेकर जाने की जो फैक्टर होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, कंपाउंडिंग फैक्टर कहा जाता है। अब कंपाउंडिंग फ्यूचर में लेकर जाने का तीन तरीका है, तीन तरीका है। वो तरीका क्या क्या है, सिंपल इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे लेकर जाया जा सकता है, सिंपल इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे लेकर जाया जा सकता है। हम इसमें क्या करते हैं, फ्यूचर में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हम ऐड करते हैं, और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या होता है, पीआरटी बाई 100। पी मींस प्रिंसिपल, आर मींस रेट, टी मींस टाइम, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है फ्यूचर में लेकर जाने का, कंपाउंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसकी फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाली जाती है, फ्यूचर वैल्यू निकालने का तरीका क्या, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन हो जाता है। दूसरा होता है कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। तो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग ये आपका फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ई टू डी पावर आर टी करके बनाई जाती है। तो ये जनरली फाइनल लेवल में ज्यादा यूज होता है, ठीक है, ये और ये यहां पे यूज किया जाता है। अब देखिएगा, ये तो सिंपल हमेशा यूज करते रहते हैं, हमने यहां पे जो डिस्कस किया इसका डिस्कस किया, क्लियर है। तो ये सब पे हम एक एक करके डिस्कस आपको करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बोलेगा तो कैसे करेंगे, ये अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेगा तो कैसे करेंगे, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग बोलेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फ्यूचर में पैसा निकालने की जो तरीका है, क्लियर है बेटा। अब देखते हैं हम यहां, दूसरी हमारा होता है, सपोज करो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर क्या होता है, सिंपल से डिफाइन है, कंपाउंडिंग फैक्टर इज अ फैक्टर व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वर्थ। बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ फैक्टर व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट फ्यूचर वर्थ ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। इट इज अ फैक्टर व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट फ्यूचर वर्थ ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वर्थ भी कह सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये एक फैक्टर है, कंपाउंडिंग फैक्टर क्या कहते हैं, ये दिस इट इज अ फैक्टर व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट फ्यूचर वर्थ ऑफ प्रेजेंट वर्थ। आज की पैसे की वैल्यू को फ्यूचर में यूज करने के लिए यूज किया जाता है, आज की पैसे को फ्यूचर में निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसको तीन तरीके से निकाला जा सकता है, सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे निकाला जा सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे निकाला जा सकता है, कंटिन्यूअस इंटरेस्ट के बेसिस पे निकाला जा सकता है। हम अभी आपको बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे कैसे निकालेंगे, और कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के बेसिस पे कैसे निकालेंगे। टेबल भी आपके पास अवेलेबल है, हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, क्लियर है, हमने इस तरीका से बताया है आपको, क्लियर। अब हम देखते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर किसे कहते हैं, सर डिस्काउंटिंग फैक्टर को क्लियर करते हैं।
अब डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर एक्चुअली होता क्या है, सपोज करें यहां पे मैंने आपको कहा जीरो ईयर, वन ईयर, टू ईयर, थ्री ईयर, थ्री और फोर, यहां पे फाइव कर दीजिए सर, आपको यहां पे कितने पैसे आ रहे हैं आपके पास, 10,000 रुपीज आ रहा है सर। आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस पैसे को अगर यहां पे निकाला जाए तो कितना होगा, इस पैसे को यहां पे निकाला जाए तो कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, हम इस पैसे को क्या करेंगे, यहां पे करेंगे, ऐसे करेंगे, सिंपल सी बात है। इस पैसे को हम क्या करेंगे भाई साहब, हम यहां पे लेकर आएंगे, इस पैसे को यहां पे लेकर आएंगे। तो जब हम इस पैसे को यहां पे लेकर आएंगे तो इसको क्या करेंगे, लॉजिकली मैंने आपको डिफरेंट पहले बताया था, क्या बताया था सर, हमने आपसे कहा था कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल वन प्लस आर की पावर एन, यह बताया था। फिर मैंने बताया था कि प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आर की पावर एन, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू वन प्लस आर की पावर एन, तो यह एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला के बेसिस पे आप बताइए यहां पे क्या लिख सकते हैं, आप बताइए, आप सिंपल सी बात है यहां पे क्या लिख सकते हैं आप, यहां पे हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू वन प्लस आर की पावर एन, ऐसे लिखेंगे। फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो कैसे लिखेंगे, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर में कितनी पैसा आपको मिल रही है, तो फ्यूचर में मिलने का पैसा है 10,000 इंटू वन प्लस 10.12 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 साल के बाद वो पैसा आ रहा है, 5 साल के बाद पैसा आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी परसेंट है, 12%। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, टेबल से भी निकाल सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, 1 प्लस 0.12 की पावर 5 की वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा, यह मैं आपको बता रहा हूं। सिंपल सी बातें हैं, हम कैसे निकालेंगे, अपनी कैलकुलेटर में लिखेंगे 1.12, यहां पे मैंने इंटू करके बतलाया था, कैसे कहा था मैंने, बेटा आप क्या लिखो, इसको क्या तरीका मैंने बताई थी बनाने का, मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस 0.12 लिखो, इंटू लिखो, इक्वल टू लिखो, और इक्वल टू कितने बार करो, अगर 5 है तो 4 बार करो, क्योंकि वो तो एक बार इंटू इक्वल टू करोगे तो मल्टीप्लाई करके बताएगा तो अपने आप 2 बार हो जाएगा, तो 4 बार करो। यहां पे हम आपको कैसे बता रहे हैं कि यहां पे इंटू इक्वल टू करनी है, यहां पे डिवाइड इक्वल टू करनी है, यहां पे आपको करनी है डिवाइड और इक्वल टू। यहां पे डिवाइड इक्वल टू क्यों करोगे भाई साहब, क्योंकि यहां पे डिवाइड की गई है और यहां पे मल्टीप्लाई किया गया था, यहां पे डिवाइड की गई है और जबकि यहां पे मल्टीप्लाई किया गया था, क्लियर है। तो मैंने लिखा 1.12, यहां पे डिवाइड की बटन लगाया और 5 बार, ये तो ये हो गया आपको। अब जितनी लाइफ होगी उतनी बार इक्वल टू करोगे, आप क्या करोगे, सबसे पहले डिवाइड, पहला आप डिवाइड करोगे, फिर जितनी बार 1, 2, 3, 4, 5 जितनी लाइफ होगी उतनी बार इक्वल टू करोगे। तो 1.12 डिवाइड किया, कितनी बार है, 5 बार है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आ गया 0.567। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 10,000 10,000 इंटू 0.567
इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5670 हो जाएगा। तो 5670 हो जाएगा यहां पे 5670। तो इस फैक्टर को क्या कहा जाता है बेटा, इस फैक्टर को कहा जाता है, ये जो फैक्टर आपके पास आया इस फैक्टर को क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर कहा जाता है। इस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर कहा जाता है, इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर कहा जाता है। क्लियर है? अब डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है हमारे पास किसे कहा जाता है बताइए। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हम जैसे लिखे हैं, इट इज अ फैक्टर व्हिच इज यूज टू कैलकुलेट फ्यूचर वर्थ ऑफ प्रेजेंट वर्थ। तो भाई डिस्काउंटिंग फैक्टर किसे कहा जाता है, इट इज अ फैक्टर व्हिच इज यूज टू कैलकुलेट प्रेजेंट वर्थ ऑफ फ्यूचर वर्थ, प्रेजेंट वर्थ ऑफ फ्यूचर वर्थ। तो हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर इज अ फैक्टर व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट प्रेजेंट वर्थ ऑफ फ्यूचर वर्थ। फ्यूचर वर्थ, प्रेजेंट वर्थ और फ्यूचर वर्थ, हमने इसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, इसमें हम डिवाइड करके निकालते हैं क्योंकि डिवाइड की गई है, ठीक है ना बेटा, डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब इसको डिटेल में हमें पढ़नी पड़ेगी, कंपाउंडिंग फैक्टर को भी डिटेल में पढ़नी होगी। सिंपल इंटरेस्ट बोलेगा तो कैसे लिखेंगे, एनुअली कंपाउंडेड बोलेगा तो कैसे बनाएंगे हम, फिर आपको थ्री मंथ कंपाउंडिंग बोलेगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, फिर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग बोलेगा तो कैसे बनाएंगे, इसको बहुत डिटेल में हमें पढ़नी है। फिर आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर की भी बहुत डिटेल में पढ़नी है, इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है, इसकी यूजेज पढ़नी है, कैसे कैसे इसको यूज किया जाएगा या क्या हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज करके हम कर सकते हैं, ये सारी डिटेल में इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्काउंटिंग फैक्टर पे पहले डिस्कस करेंगे, ये ज्यादा यूज होने वाला चीज है डिस्काउंटिंग फैक्टर, जहां पे भी हम इन्वेस्ट करेंगे ये सब जगह यहां पे यूज होने वाला चीज है डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्लियर बेटा? ओके, थैंक यू क्लास। इन नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर को बहुत डिटेल में, डिस्काउंटिंग फैक्टर होता क्या है, कितने टाइप से निकाली जाती है और इसका यूजेज क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। कितने मिनट का हो गया बेटा ये?